हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हम आए हैं दिल्ली के पुराने किला। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पुराने किले किला का दरवाज़ा है। प्राइस क्या, इसकी टिकट प्राइस होने वाली है और क्या इसकी टाइमिंग है, तो ये सब सारी जानकारी अभी आपको सब बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का ये नया ब्लॉग और इस ब्लॉग में बहुत मस्ती होने वाली है। तो गाइस, आपको यहाँ मिल जाती है फ्री पार्किंग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो गाइज़, हमें यहाँ पे मिल जाता है टिकट काउंटर और जो टिकट प्राइस है वो 20 रुपये रखा गया है। किला का 20 रुपये है और म्यूज़ियम का 10 रुपये, यानी मिला करके 30 रुपये है। तो गाइज, यहाँ पे हमारे बैग की चेकिंग होगी और यहाँ पे हमारी होगी और हम ये पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा टिकट चेक होगा और ये मानचित्र दिया गया है पूरा किले का, यानी कि जो ओल्ड फोर्ट है उसका पूरा मानचित्र दिया है। तो आप ये देख करके जा सकते हैं कहाँ कौन सी जगह है। आप पहले से आइएगा तो यहाँ देख लीजिए, तो आपको आसानी होगी घूमने में और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कहाँ कौन सी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को एक बार देख कर जाएँ। तो गाइस, जैसे ही हम पुराने किला में एंट्री मारते हैं तो हमें ये देखने को मिल जाता है बड़ा दरवाज़ा। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा दरवाज़ा है। ऐसे ही दरवाजे यहाँ पे 3 बनाए गए हैं। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत दरवाज़ा है और काफ़ी बड़ा है। और ये इसका मेन गेट है। ये आप इसके दरवाजे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े और हैवी बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं लोहा लोहा लगा है, लोहा लकड़ी। गाइस, जैसा कि देख सकते हैं आप, ये पुराना किला का खंडर है जहाँ पे इमरान हाशमी को काफ़ी याद किया जाता है। क्या खत्म नहीं होता बे? वो इन खंडरों को देख करके कैसे क्या याद आता है आपको? बहुत कुछ याद भैया, मुझको तो एक ही बात याद आई यहाँ पे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, कम बजट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये दिल्ली का पुराना किला है। तो आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का पुराना किला, आप ज़रूर आइएगा। और यहाँ पे जो टिकट प्राइस है 20 रुपये लगती है। आपको ज़्यादा बजट उठाने की कोई चिंता नहीं है, तो अपने पार्टनर को कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये जो पुराना किला है वो कपल्स के लिए बहुत ही बेहतर है और सबसे सेफ जगह है। तो यहाँ पे आप कपल्स वाले हैं जो, वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे। आप ये पार्किंग देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे आकर के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दोस्तों, पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनापना नगर का आंतरिक किला है। इस किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 ईस्वी के बीच करवाया था। और किले के 3 बड़े द्वार हैं तथा इसकी विशाल दीवारें हैं। इसके अंदर एक मस्जिद भी है जिसमें 2 तलीय अष्टभुजी स्तंभ है। दोस्तों, हिंदू साहित्य के अनुसार यह किला इंद्रप्रस्थ के स्थल पर है जो पांडवों की विशाल राजधानी होती थी। दोस्तों, मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं की इस किले के नीचे गिरने के कारण दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। महाभारत में उल्लेखित पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ संभवतः इसी स्थान पर थी। दोस्तों, पुराना किला दिल्ली का सबसे पुराना किला होने के कारण इसका नाम पुराना किला रखा गया है। वैसे इस किले का असली नाम शेर का किला है और कुछ इतिहासकार इसे किले का असली नाम पांडवों का किला भी बताते हैं। तो गाइस, ये वो खंडर हैं जहाँ पे लोग बाग बैठते हैं। बेझिझक होकर के बैठिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे।
बहुत अच्छा पार्क है और आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, तो पूरा दिन एंजॉय कीजिएगा। और वहाँ पे कुछ देख सकते हैं, वहाँ झाड़ियों में कुछ हो रहा है। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ये सामने देख सकते हैं वहाँ पे कुछ लोग हैं जो झाड़ियों बैठे हुए हैं। रघु, ये बताइए मुझे कि आपने पुराना किला तो पूरा घूम लिया है, तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा और क्या चीजें यहाँ पे, मतलब ये मौसम मौसम आपको अच्छा लगा? अच्छा, दो प्रेमी युगल बैठे हुए हैं। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, हमको देख के अपनी आंखें बंद करने का मन कर रहा है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं ये पुराने किला की वो सुरंग है जहाँ पे प्रेमी युगल अक्सर मिला करते हैं। तो अगर आप पुराना किला आना चाहते हैं तो एक बार इस ये जो आपको दिख रही है सुरंग, यहाँ पे ज़रूर आएं और देखें कि पुराने किला में आखिर क्या होता है। वाओ, ब्यूटीफुल! हम सस्ता ओयो भी बोल सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कितने दूर तक ये सुरंग जाएगी आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। गाइस, पुराने किला का जो माहौल पूरा, जो आपसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि पेड़ और झाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितने से जितने। दोस्तों, पुराने किला के अंदर ही किला ई कोना मस्जिद है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसका इतिहास है दोस्तों तारीख ए दाऊदी नाम के किताब से पता चलता है कि किला ई कोना मस्जिद को शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में बनाना शुरू किया था। इस मस्जिद की छत पर 3 गुम्बद थे जिसमें आज केवल एक ही बचा है। किला ई कोहिना मस्जिद एक विशेष प्रकार का मस्जिद माना जाता है क्योंकि यह मस्जिद लोदी शैली से मुगल शैली में परिवर्तन का प्रतीक है, और साथ में यह मस्जिद पठान कला का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, किले के अंदर ही शेर मंडल है जो कि बलुआ पत्थर से बना हुआ है,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये शेर मंडल है और आठ भुजाओं वाला दो मंजिल का एक भवन है। दोस्तों हम शेर मंडल से थोड़ा आगे की ओर आते हैं तो हुमायूं दरवाजा हमें मिल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हुमायूं दरवाजा है जो कि बहुत बड़ा है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा है ये हुमायूं दरवाजा। दोस्तों ये पुराने किले की गार्डन है जो कि बहुत खूबसूरत है और लोग बाग यहीं बैठते हैं। जब ज़्यादा थक जाते हैं तो अपना यहाँ आराम करते हैं। अर्जुन से कि कान खोल कर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता तारा हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। अच्छा ये है, इसके आगे भी है मुझे याद नहीं। चलो कोई बात नहीं। दोस्तों बड़े दरवाजे के जस्ट बगल में ही आपको पुरातत्व यानी संग्रहालय मिल जाएगा आपको। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं संग्रहालय है और ये संबंधित सूचना है कुछ यहाँ पे। फ्राइडे को बंद रहता है। तो गाइस मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।